हेलो व्यूअर्स, बाय ड्रिंक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कॉस्मिड, फेज मिड और फैज मिड के बारे में। ओके, सो हमने देखा था कि ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का रिकॉम्बिनेशन है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स के बारे में। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स होते क्या है? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स जो होते हैं वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होता है ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंसेस, जिसमें कि आपके प्रेजेंट होते हैं कौन से रीजन? सेंट्रोमियर्स, ओके, फिर हो गया टेलोमियर्स और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सब जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स कहते हैं। ये एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स का मेन यूज इसलिए है क्योंकि ये ह्यूज डीएनए इंसर्ट को क्लोन कर सकता है। ओके, सो इसलिए हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स यूज करते हैं। अब इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स जो है वो 5 टाइप्स के हैं। मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स दिया है। एक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं बैक। P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं पैक। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं या ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं मैक, और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं। ये 5 अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो एक एक के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे बैक, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट है आपका? तो सबसे पहले बैक में आप देखोगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि इकोलाई से होता है, और इसमें होती है एफ फैक्टर। अब ये एफ फैक्टर क्या है? ये एफ फैक्टर होता है जो कि अलाउ करता है आपका स्ट्रिक्ट कॉपी नंबर। मैं जब कहूँ स्ट्रिक्ट कॉपी नंबर, उसका मतलब होता है कि ये मेंटेन करते हैं 1 to 2 copies ऑफ वेक्टर पर सेल। मतलब एक सेल में ये 1 to 2 copies प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिक्ट होता है इनका कॉपी नंबर मेंटेनेंस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रेप ई। रेप ई क्या करता है? ये एक जीन है जो कि एनकोड करता है रेप प्रोटीन, या मैं कह सकती हूँ रेप्लिकेशन प्रोटीन और रेप प्रोटीन। ओके, सो इस रेप प्रोटीन में क्या होता है? ये बाइंड करेगा आपका ओ आर एस से, और ये जब ओ आर एस से बाइंड करता है तो ये क्या करता है? ये इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन। बहुत इजी, यहाँ तक रेप ई का बहुत इजी स्ट्रक्चर हो गया। अब आता है आपका पार ए, पार बी, पार सी। जैसे ही नाम है आपका, इसका मतलब होता है पार्टीशन। जब मैं कहूँ पार्टीशन, मतलब क्या होता है? तोड़ना किसी चीज को, है ना। ये जो तीन है आपकी, ये इन्वॉल्व होते हैं पार्टीशनिंग ऑफ एफ प्लाज्मिड। ये पार्टीशनिंग कब होता है? ऐसे जब तब नहीं हो जाता, ये सेल डिवीजन के टाइम पे इसकी पार्टीशन होती है। ओके, सो पार ए, पार बी, पार सी ऑफ बैक इज यूज फॉर पार्टीशन ऑफ एफ प्लाज्मिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत आसान हो गया। अब आता है नेक्स्ट कॉस एम। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस साइट। कॉस साइट में क्या होती है आपके? कॉस साइट में ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इजीली आपकी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर सके। ओके, ये जो कॉस साइट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ज्यादातर लैम्डा फेज में प्रेजेंट होता है, और ये कॉस साइट भी आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में देखा जाता है। अब आ गया एम्फिसिलिन आर, जो कि एक मार्कर की तरह भी यूज होता है, और ये रेसिस्टेंट जीन है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। लॉक्स पी, लॉक्स पी किसके लिए यूज करते हैं हम? लॉक्स पी यूज होता है रिकॉम्बिनेशन के लिए, मतलब जो भी रिकॉम्बिनेशन होता है वो लॉक्स पी के साइड पे होती है। एंड एमसीएस, एमसीएस क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग सेल्स। सो बैक ए जो हो गया वो बहुत इजी है, रेप फॉर रेप्लिकेशन, पार ए बी सी इज फॉर पार्टीशन, एम्फिसिलिन इज मार्कर, लॉक्स एक्स प्रोटीन, लॉक्स एक्स पी जो होता है रिकॉम्बिनेशन के लिए, कॉस एन एंड हैज हैविंग कॉस साइट, एंड एमसीएस इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आपकी
T7 RNA पॉलीमरेज भी होती है, SP6 RNA पॉलीमरेज होती है, ये सब प्रोमोटर ड्रिवन होता है। ओके सो बहुत इजी था बैक। अब नेक्स्ट आता है हमारा P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जब मैं कहूँ P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ओके सो ये जो है ये डिराइव्ड क्रोमोसोम है। कहाँ से डिराइव किया गया इसका डीएनए को? इसके डीएनए को डिराइव किया गया है P1 बैक्टीरियो फेज। ओके इसका डीएनए डिराइव किया गया है P1 बैक्टीरियो फेज से। ओके सो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सेम देखते हैं, ये जो पैक साइट है, ओके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है COL ER1। फिर आता है लॉक स्पीड। तो आप यहाँ पे क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन होती है। कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड सेलेक्टेबल मार्कर। और फिर होता है P1 रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन मतलब क्या होता है? रेप्लिकेटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं रेप्लिकॉन। तो यहाँ पे P1 रेप्लिकॉन प्रेजेंट है। तो ये सारे साइट्स जो है, तो ये वेक्टर को हम क्लोन यूज करते हैं ताकि क्लोन कर सके डीएनए सीक्वेंस। कितने साइज के? 100 to 300 किलो बेस पेयर्स। और ये ज्यादातर इकोलाई सेल्स इसमें यूज होता है। ओके सो PAC1 बहुत इजी है क्योंकि ये बैक का भी एक डेरिवेटिव है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैच करते हैं बैक से। नेक्स्ट जो हमारी है वो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डेप्थ जाने से पहले एक बार जान लीजिए आप, ये पूरी एक सेगमेंट आती है ईस्ट वेक्टर्स। ईस्ट वेक्टर्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके ईस्ट वेक्टर्स दो तरह का होता है, एक होता है या और एक होता है ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स। ओके सो ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स जो है मैं पूरी डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि ये आपका रिलेटेड रहेगा और आप समझ पाओगे कि हम क्या देख रहे हैं। ओके सो अब चलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के बारे में जानने के लिए। सो ये आपका सबसे पहला चीज, तो ये आपका लीनियर वेक्टर है। ओके सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी लीनियर वेक्टर होती है। ठीक है तो सेम इसमें भी आपका ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस ARS होती हैं। सेंट्रोमियर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, CEN इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके दो मार्कर्स होते हैं मार्कर ए मार्कर बी, एम्पसिलिन आर एम्पसिलिन रेजिस्टेंस, और दो टिलोमियर्स होते हैं TLS टिलोमियर। ओके सो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं इसमें। और फिर आपके जो सीक्वेंसेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं, वो इक्वलाइज लिए जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके लिया जाता है। ओके सो ये लीनियर डीएनए जो है ये आपका हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो ये आपका नॉर्मली ये पूरा आपका ईस्ट क्रोमोसोम की तरह ही होता है। ठीक है और उसका रेप्लिकेशन जो भी होती है वो भी ईस्ट क्रोमोसोम की तरह ही होती है। आप देख पा रहे हो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस है, लाइक सेंट्रोमियर टेलोमियर। टेलोमियर सीक्वेंसेस सेंट्रोमियर सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के सीक्वेंसेस हैं। आर ई है इकोलाई R1। ओके देखो यहाँ पे BAM H1, इकोलाई R1 और BAM H1 यूज करके कट किया जा रहा है, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्टिकी एंड। और इस स्टिकी एंड के बीच में आपका डीएनए इंसर्ट को रखा जाएगा। ओके और ये हो गया हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट आती है ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर एंड ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। सो ये ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स में भी सेम होता है। इसमें हम सेंट्रोमियर्स होते हैं, टेलोमियर्स होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ओके मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोमल डोमेन प्रेजेंट होता है। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव क्रोमोसोमल डोमेन इसमें प्रेजेंट होता है। ओके ये जो है ये आपके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किसमें? कल्चर्ड सेल्स में। आर्टिफिशियली किया जाता है ताकि इसका स्ट्रक्चर चेंज करके नेचुरल क्रोमोसोम का। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखा था मुझे, तो मैंने सोचा इस एग्जांपल को यहाँ समझा दूँ। सो ह्यूमन सेल से आप देख पा रहे हो क्रोमोसोम नंबर 21 लिया गया है।
और उसे ट्रांसफर किया गया है चिकन DT40 में। चिकन DT40 में ट्रांसफर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो पी आर्म क्यू आर्म, दो आर्म्स होते हैं, पी आर्म होता है क्यू आर्म होता है क्रोमोसोम का, और ये लीनियराइज प्लाज्मिड है जो कि चिकन DT40 का है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है, और आप देख पा रहे हो जो रिकॉम्बिनेशन है ये आपका जो ट्रांसक्रिएशन के फॉर्म में हो रहा है। तो ये रिकॉम्बिनेंट होने के बाद इसे हैमस्टर वाले सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहां पर टेलोमियर रिपीट्स के साथ इसे बाइंड किया जाता है और इसे क्लोन किया जाता है इन बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। याद रखिएगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स जो होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इसमें सेंट्रोमियर और टेलोमेरिक रीजन प्रेजेंट होता है। ओके, सो फिर ये जो हमारा क्लोन इंसर्ट है इसे हम फिर ट्रांसफेक्शन करते हैं ह्यूमन सेल्स में, और अब ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफेक्ट करने के बाद फिश फ्लोरोसेंट इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन फिश के थ्रू भी आप इसे देख सकते हो, उसी में आपको अच्छे से विजुअली दिखाया जाएगा। ओके, सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ताकि मैं आपको समझा सकूं ये ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहाँ यूज होता है। और हमेशा याद रखिए इसकी जो साइज होती है 1 to 5 मेगा बेस पेयर होता है डीएनए इंसर्ट का साइज। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, P1 data आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। अगली वीडियो में हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हमारा शटल वेक्टर्स और वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स रह जाएंगे। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायोड्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।